देखिए ये है मेन गेट एंड राधा रानी की भक्ति का जो क्रेज है राधे राधे। ये भाई क्या बात है, जितना मर्जी गुलाल लो उड़ाओ। देखो भाई अब सब लोग बैठ गए हैं और ये कुछ माहौल हो रखा है भाई। और अभी मंदिर की छत पे आ गया हूँ, आपको ऊपर से व्यू दिखाता हूँ। जो नीचे होली खेलते थे लोग, देखो जरा ये छत पे पहुंच गए हैं भाई। राधे राधे दोस्तों, इसी के साथ वेलकम बैक माय ब्लॉग चैनल अगेन। मेरा नाम है परमदीप सिंह एंड आप सभी देख रहे हैं परम ऑन व्हील्स। एंड अगर लास्ट वीडियो आपने देखी होगी तो आपको पता होगा कि वृंदावन आए थे हम लोग एंड 10 मार्च की आज तारीख है। होली की करंट अपडेट आपको दिखाई थी, चेहरा देख लीजिए। राधा वल्लभ मंदिर में, राधा रमन जी में, दीदी रमन जी में हमने होली खेली एंड अभी हम देखिए वृंदावन की जो पार्किंग है इधर ही है, देखिए अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से बरसाना के लिए राधा रानी टेम्पल में। होली की क्या वहाँ पे धूम मची हुई है वो देखेंगे, प्लस आप सबसे भी शेयर करेंगे, साथ मिलकर होली खेलेंगे। जैसे जैसे होली नज़दीक आ रही है धूम होली की बढ़ती जा रही है क्योंकि फागुन का महीना चल रहा है। वृंदावन, बरसाना, गोकुल, हर तरफ होली की धूम मची हुई है और राधे राधे की जय जयकार गूंज रही है। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं, फटाफट से निकलते हैं वृंदावन से बरसाना की तरफ। बरसाना का डिस्टेंस 40 किलोमीटर्स का पड़ता है ये एंड इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करना तो वृंदावन से बसेस, लोकल बसेस मिल जाती हैं इजीली। और ये जो रोड है ये बरसाना रोड है, बेसिकली सीधा बरसाना में कनेक्ट कर जाएगी जो राधा रानी टेम्पल है। अभी यहाँ से होगा आई थिंक 12-13 किलोमीटर के आसपास। बरसाना में एंट्री हो गई है और ये मंदिर उस तरफ है तो लेट्स सी पार्किंग। सो ये पार्किंग है, आज तो रश भी काफ़ी है, इधर बुला रहे भाई। किधर खड़ी, कितने की जगह, किधर है जगह, किधर मिल जाएगी? नहीं नहीं नहीं, भैया पैदल जाएंगे, हम पैदल जाएंगे। हाँ जी गाइस, बरसाना पहुंच गए एंड कुछ ऐसी पार्किंग देखने को मिलती है, देखिए। और इधर से रास्ता है यार, थोड़ा सा लेट हो गया। यहाँ पे क्या है कि जो टेंपल के ओपन होने का टाइम है 4:30 के बाद है, मतलब 4:30 से 4:45 के बीच में ओपन हो जाता है और 4:20 हो चुकी है, तो थोड़ा जल्दी चलते हैं क्योंकि आगे से मार्केट में से होते निकलेंगे फिर। स्टेयर्स भी ऊपर टॉप पर वहाँ टेम्पल है वो देखिए, और आज क्राउड भी बहुत अच्छा खासा है भाई। डेढ़ हफ्ता पहले जब मैं था पार्किंग पूरी खाली थी, आज खचाखच भरी पड़ी है, तो क्राउड है बहुत सही। और आप सबने अभी तक अगर कमेंट सेक्शन में राधे राधे नहीं लिखा तो जल्दी से फटाफट लिखिए, जब तक मैं मंदिर पहुंचता हूं आप कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखो। तो ये गली जा रही है सीधा आगे स्टेयर्स में कनेक्ट करेगी जो मंदिर पर जाएंगी एंड पार्किंग के साइड से ही है। यहाँ पे आपको शॉप्स वगैरह देखने को मिल जाएंगी, जो ड्रेसेस होती हैं, जो लड्डू गोपाल जी रखते हैं जो अपने घर में उनके लिए, बैग्स वगैरह भी हैं, ऐसा कुछ है वो है ना। वृंदावन बरसाना में आओ तो ये ज़रूरी है, राधा रंग में रंगना। एक दो इससे लगवा लो, एक तो उसके हो गए, एक दो इससे लगवा लो, दोनों का हो जाएगा। तो गाइस यहीं से स्टेयर जा रही है, यही आके ऊपर मंदिर के तरफ। ये वाली है ना गुलाब वाली। सो गाइस कुछ स्टेयर्स चढ़ के जाना पड़ता है, बहुत हाइट पे है ना टेंपल, ऊपर से व्यू बहुत सुंदर आता है। तो पहुंच गए हैं, देखिए माहौल क्या बात है। और अभी अभी गेट भी ओपन हो गया तो टाइम हो गया है ना, जस्ट अभी अभी ओपन हुआ है। सो गाइस ये देखिए, ये है कुछ माहौल, और देखो भाई भीड़, जस्ट अभी ओपन हुआ है ना गेट तो भीड़ है अच्छी खासी। तो भाई देखिए ये है मेन गेट एंड अभी लोग धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे हैं ना। मैं आपको बताऊं ये भीड़ जो भी आप देख रहे हो ना, यहाँ पे 4:30 से मतलब 1 घंटा पहले लोग आके बैठ जाते हैं एंड ये अभी सिर्फ 15 से 20 मिनट में सब खाली हो जाएगा क्योंकि सब लोग अंदर से जाएंगे। सिर्फ 15 मिनट की भीड़ होती है ये एंड यहीं पर इधर भजन चल रहे होते हैं, लोग होली खेल रहे होते हैं, देखो लोग इधर भी कलर उड़ा रहे हैं पूरा।
भाई ये है बरसाना की होली 10 मार्च को आप सभी के लिए। देखिए ये है बरसाना की होली एंड आपको जरा दिखाता हूँ यहाँ पे भजन कीर्तन हो रहे हैं। ये देखो यहाँ पे डांस भजन कीर्तन अलग ही माहौल। ये है होली का क्रेज बरसाना में। तो गाइस बेसिकली यहाँ पे होता क्या है मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा लेट हो गए, ये तो बहुत ज़्यादा होली खेली है। देखो देख रहे हो ना, इससे आप आइडिया लगा लो कितनी ज़बरदस्त होली यहाँ पे खेली गई होगी। देखिए भाई देख रहे हो तो कुछ ऐसा क्रेजी माहौल हुआ होगा यहाँ। होता क्या है जब मंदिर मतलब गेट बंद होते हैं ना तो लोग यहाँ पे एक घंटा पहले आ जाते हैं, फागुन के महीने जब एक घंटा पहले यहाँ पे वेट करते हैं लोग कुछ ज़्यादा होली खेलते हैं। भाई लाइन में लगे हैं एंड यहाँ पे ये सब पे फेंक रहे कलर जो भी जा रहे हैं। देखो राधे 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 पीछे से आपको दिखा रहा हूँ। देखो वहाँ पे गुलाल भी उड़ रहा है और इधर कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स है खुला एकदम, यहाँ पे लोग होली खेल रहे हैं। बरसाना की राधा राधा मंदिर में ऐसा कॉम्प्लेक्स मिल जाता है जिसमें लोग आराम से एंजॉय कर सकते हैं। देखो राधे राधे भाई साहब, ये शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। महाराज जी सबको खुला गुलाल दे रहे हैं। ये भाई क्या बात है, जितना मर्जी गुलाल लो उड़ाओ। ये देखो जय
भाई यहाँ पे सब एक दूसरे के साथ होली खेल रहे भाई। भाई एक ही बात बोलूंगा, यहाँ पे आओगे ना थकोगे नहीं बिल्कुल भी, इतना मर्जी आप राधारानी का नाम ले लो जितनी मर्जी वाली कर लो थकोगे नहीं बिल्कुल भी। भाई क्या माहौल है भाई, ये है फागुन के महीने की धूम बरसाना से। हाँ जी गाइस, जस्ट अभी दर्शन करें राधा रानी जी के बिल्कुल पास से जाके, और अभी मंदिर की छत पे आ गया हूँ, आपको ऊपर से व्यू दिखाता हूँ जो नीचे होली खेलते थे ना लोग, देखो जरा ये छत पे पहुँच गए भाई। एंड ये कुछ व्यू ऊपर से देखिए, मैं नीचे से आपको दिखाता ना जो होली खेल लेते, देखो भाई ये ऊपर से पूरा व्यू आपको। सो गाइस 6:30 बज चुके हैं एंड देखिए लाइटिंग होने शुरू हो गई है, कितना सुंदर लग रहा है ना मंदिर, देखिए क्राउड भी कम हो गया अब तो। सो भाई होली खेली मस्त एकदम। अब ये देखो भाई लस्सी चल रही है यहाँ पे, यही स्टेयर से जाओ ऊपर टेंपल की तरफ गई थी ना उधर से, यहाँ पे लस्सी, वरना बरसाना आए तो लस्सी तो बनती है ना, उधर चाय बन रही है, मज़ा आ गया।